प्रभुपाद जी की कि जो वाणी है, शिक्षा है, उसको मैं पढ़ूंगा। महान मुक्त आत्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते। जैसे प्रभुपाद जी जैसी आत्माएं, महान आत्माएं जो प्रकट होती हैं, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेती, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। भौतिक जगत में प्रदूषण बहुत है। क्या प्रदूषण है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये भौतिक जगत के प्रदूषण हैं। तो महान आत्माएं इससे परे होती हैं, मुक्त होती हैं, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए वहाँ आते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं। अगर ये महान आत्मा नहीं, तो महान आत्मा नहीं प्रकट हो, नहीं आए, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार के लिए ये आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं, काम करने के बाद चले जाते हैं। ये जगत जो है, या कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। राम जी आए, वो भी लीलाएं करके चले गए। कृष्ण भगवान आए, वो भी चले गए। ये याद रखो, ये भौतिक जगत हमारे रहने की जगह नहीं है। हमारा असली घर जो है, वह वैकुंठ धाम है, वैकुंठ लोक है। तो यहाँ पर हम लोग परमानेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है, भौतिक विषयों से आसक्ति है, एक संत थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, उन्होंने बड़ी लंबी आयु का उनको वरदान मिला था, बड़ी लंबी आयु जिएंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, पवित्र नदी के किनारे बैठकर अपना भगवान का भजन करने लगे। किसी ने आकर कहा उनको, महाराज आपको इतनी लंबी आयु का वरदान है, आप यहाँ की छोटी सी कुटिया बना लो, यहाँ में धूप भी होती है, बरसात भी होती है, कुटिया में बैठ के भजन करो। तो महात्मा क्या कहते हैं? महान आत्मा कहते हैं, बड़ी लंबी आयु के बाद तो मैं मरूंगा ना, कहता हाँ, ये मृत्यु लोक है, तो फिर मैं कुटिया बनाकर क्यों उसे मोह उत्पन्न कर लूं? मोह, मोह हमको फिर से संसार में खींच के लाएगा। इस मोह रूपी फांस से बचना है, इस मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भगवान की जो निष्काम भक्ति, याद रखो, ऐसे जो मंदिर में लोग घंटियाँ बजाते हैं, पुजारी घंटी बजा रहा है, सोचता आज कोई चढ़ाएगा, मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा। अभी जैसे एक था ना, एक तो कोई मंदिर में कोई रबड़ी चढ़ा दे, कोई चढ़ा दे तो गायब कर देता था और फिर वो छुपा के रख देता था। लेकिन वहाँ और भी दूसरे रहने वाले बड़े चालू थे, देखा छुपाया तो उठा कर उसको खा लेते थे। तो वो फिर वो ढूंढता बेचारा, मिलता नहीं, कहाँ गए, मैंने छुपाई थी यहाँ रबड़ी, छुपाए थी यहाँ रसगुल्ले, कहाँ गए वो? पूछते प्रभु जी कुछ गुम हो गया आपको? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये भावना अच्छी नहीं, ये भावना आवागमन में जाने वाली है, भगवत प्राप्ति की नहीं है। भगवत प्राप्ति तो निष्काम सेवा, आप कुछ दें मेरे को ठीक है, नहीं दें तब भी ठीक है।
हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज ने, उनके बारे में मैंने प्रभुपाद जी के मुखारविंद से सुना था। मैं जब प्रभुपाद जी के साथ था तो मेरी अंदर से भावना हुई, तो प्रभुपाद जी बैठे हैं, मैं हूँ और कोई नहीं है, प्रभुपाद जी के कमरे में हम दो जने हैं। मैंने कहा, प्रभुपाद जी मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ और मुझे अपने चरणों में रखना आप। फिर प्रभुपाद जी ने मुझे ये समझाने लगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसा ही सोचा था। बड़ा समझाया, मुझे अभी भी याद है, कुछ शब्द में आपको बताता हूँ। वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर, देखो ये भजन उसमें है, ये होना चाहिए। वैष्णव ठाकुर मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ और मैं क्या करूँगा, आपके द्वार पर बैठा रहूँगा और जो भक्त नहीं है उनको अंदर नहीं आने दूँगा। भावना पर कोई भक्त आएगा, अभक्तों को अंदर नहीं आने दूँगा, अगर कोई भक्त आएगा उसको नहीं रोकूंगा, उसको जाने दूंगा, ये काम मैं करूंगा। अगर आपका कोई प्रसाद खाया हुआ झूठ बच जाए थोड़ी मेरे को दे देना, अगर आप नहीं देंगे फिर भी मैं आपके द्वार पर बैठा रहूंगा। ये भावना, यही भावना भगवान से मिलाने वाली है। बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने मुझे ये बताया, कहते हैं कि शिष्य को गुरु के प्रति ऐसा ही सोचना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान वैष्णव थे, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर, कुकुर कहते हैं कुत्ते को, तो ये संसार हमारा घर नहीं है, हम अपने कर्मों के अनुसार यहाँ आए हैं और यहाँ दुख ही दुख है, सुख नहीं है। यहाँ सुख की खोज करना ही अज्ञानता है, भूल है। यहाँ कोई दुख आता वो स्वाभाविक है भाई, ये दुख रूपी भगवान ने गीता में कहा ना। आवाज ठीक आ रही है सबको? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम, जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। और इस दुखों के घर में आकर सबसे बड़ा काम है खुद भक्ति करना और दूसरों को भक्ति कराना और सुख नहीं खोजने। मान लो कोई भक्ति में लग रहा है और कोई उसको भक्ति से हटा देता है, वो घोर नरक में जाता है। तुम्हें नींद आती है, खड़ा हो जा, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए और जो किसी को भक्ति में लगाने में निमित्त बनता है वो धाम में जाता है। सर्वस तुम्हारे चरणे समर्पिया पड़ीछे तुम्हारा घरे तुम्ही ता ठाकुर तुम्हारा कुकर बलिया जान हमोरे बांधिया निकटे हमारे पाली में रही में तुम्हारा द्वारे प्रतीप जनेरा आसीते ना दीव राखी में गधेरा पारे तब निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्टा राखी में यह हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवे ताह। बसिया भाषिया छुया तुम्हारा चरणे चिंती वे सतत हमी। क्या दिव्य भाव इस भजन में भरा हुआ है। सदगुरु प्रभुपाद जी जैसे संतों के चिंतन से ही हमारी शुद्धि हो सकती है।
वही यहां कहा है, वसीया शुईया तुम्हारा चरणे बैठे हुए सोए हुए आपके चरणों का मैं चिंतन करूंगा, सतत चिंतन अमी। नाचीते नाचीते निकटे याईवा याकन डाकी वे तुम्हें। और जब मैं आपके दर्शन करूंगा तो नाचते नाचते आपके पास आऊंगा। क्या भाव है वैष्णवों के प्रति भाव। और ये जो दिव्य गुरु परंपरा प्रभुपाद ने दी है, इनके प्रति भाव, इसी से हमारा कल्याण है, यही हमारा मंगल कर सकते हैं। सीधे हम भगवान के पास नहीं जा सकते। फिर क्या कह रहे हैं आगे, निजेरा पोषण कमुना भावी व बलिया चर वरण करे भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बलिया बान करे। सर्वस आपके चरणों में सौंप कर आपके घर में पड़ा हुआ हूँ। आप मालिक हैं, आप मुझे अपना कुत्ता समझें। आहा, मालिक प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, परम वैष्णव हैं, मुझे अपना कुत्ता समझें, अपने पास बांध कर मुझे पालना, बांध कर मेरा पालन करना। मैं आपके दरवाजे पर रहूंगा, आपके दरवाजे पर रहूंगा। अगर कोई वैष्णवों का कुत्ता बन जाता है, उसका जीवन धन्य है। अब देखो प्रभुपाद जी का भाव अपने गुरु के प्रति कितना था। इन्होंने 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए, और गुरु जी ने 1922 में कहा था, 1965 में प्रभुपाद गए अमेरिका, कितने सालों के बाद। कितना भाव गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। ऐसे सच्चे संत, सच्चे गुरु की आज्ञा पालन करने वाले ही गुरु बन सकते हैं। वैसे बातूनी फालतू आदि भाव गुरु नहीं बन सकते। कितना भाव था गुरु जी की आज्ञा पालन करने, और कितनी गुरु जी ने उनको सफलता दी। आपके दरवाजे पर रहूंगा, जब आपके भक्त प्रसाद सेवन करेंगे तो जो उच्चिष्ट बचेगा वही मेरा प्रतिदिन का परमानंद में भोजन होगा। आपके भक्त लोग जो भोजन करेंगे, प्रसाद करेंगे, और जो बचेगा वही मेरे दिन का भोजन होगा। क्या भाव है एक परमाचारी ठाकुर भक्ति विनोद महाराज का। बड़े प्रेम से और भाव से बोलो ठाकुर भक्ति विनोद महाराज की। ये महान संतों के लक्षण भावना, और उन्होंने कभी भी अपने आप को महान नहीं कहा। और देखो हम जो पतित हैं, अपने आप को सदा महान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी कोई गलती निकालता है, हम अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। ये रोग है, भव रोग है, देहात्मक बुद्धि है, कुनपे त्रिधातु के अपने आप को शरीर समझ रखा है, ये ठीक नहीं। मैं बैठते सोते निरंतर आपके चरणों का चिंतन करूंगा। हाँ, जब आप मुझे पुकारेंगे तो नाचते नाचते आपके पास आऊंगा।
गुरुदेव जब आप मुझे पुकारे नाचते नाचते आपके पास आऊँगा, हमेशा आपके भाव में विभोर होकर रहूँगा, गुरु के भाव में विभोर होकर रहूँगा, अपने पोषण की कभी भी चिंता नहीं करूँगा, मैं अपने खाने का कभी अपने पोषण की चिंता नहीं करूँगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पालनकर्ता के रूप में वरण कर लिया है, मैंने आपको अपना पालनकर्ता मान लिया है, हमारे पालनकर्ता भगवान हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रवक्ता संपर्क में है, तो हिंदू लोगों में एक बीमारी आ गई है, संतान ज़्यादा नहीं चाहिए, संतान ज़्यादा अगर नहीं चाहिए तो एक दूसरे का संपर्क भी नहीं होना चाहिए, संपर्क रखेंगे लेकिन संतान नहीं चाहिए। वो बड़ा प्रवक्ता, मैंने कहा ऐसा कहते कि अभी पालन कैसे होगा, प्रवक्ता है बहुत बड़ा धार्मिक प्रवक्ता, लेकिन पालन कैसे होगा जैसे वो पालन कर रहा है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि मेरे पालनकर्ता आप हैं, भगवान साहब का पालन करते हैं, हम अपने परिवार का पालन कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोगों में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इन पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से उन दोषों को निकालना है। भक्त लोग इस भौतिक जगत के प्रदूषण से परे होते हैं, पति जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं, और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीवों के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। ये एक बड़े समझने की बात गुरु महाराज कहते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं या भगवान के भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे, उनका और हमारा जन्म लेना बिल्कुल भिन्न है, अलग है। हमारा जन्म और उनका जन्म एक जैसा नहीं है। वो विनम्रता की मूर्ति, वो तो अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। जैसे एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दी आची ये कत, दी आची जीवेरा कलेश। मेरा जीवन पापों से भरा पड़ा है, पुण्य खोजने का प्रयास करूँगा, लेश मात्र पुण्य नहीं मिलेगा, और मैं सदा दूसरों को दुख देता हूँ, कष्ट देता हूँ। ये महान आत्मा ऐसा सोचती हैं। हम जो कष्ट देते हैं हम सोचते ही नहीं ऐसा। अगर हमें कोई समझाएगा हम दस उसको सुनाएंगे, नहीं मैं तो बड़ा महान हूँ। ऐसे भी देखे हमने, भक्त बने हैं, दीक्षित हैं, कभी भी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। कितना बड़ा उनका मतलब ये क्या कहते हैं अपराध है अपनी गलतियों को नहीं मानना। और देखो जो वैष्णव श्रीनिवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं, उनको दोष लगाया गया कि काली के पूजक हैं। एक क्या नाम था उस ब्राह्मण का, चपल गोपाल, महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के घर में शुरू में बालपन में कीर्तन करते थे, श्रीनिवास ठाकुर के घर से भक्ति शुरू हुई थी, ये संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ था श्रीनिवास आंगन से। तो चपल गोपाल दरवाज़ा बंद करके, उस समय हालत बड़ी ख़राब थी बंगाल की,
लोग बड़े तंत्र मंत्र के पीछे पड़े हुए थे। चपल गोपाल ने बोला बड़ा ये करते हैं, मैं श्रीवास को बदनाम करूंगा। उसने किया, रात के 12 बजे आया श्रीवास ठाकुर के आगे, घर के आगे काली पूजा का सामान फेंक गया। उस समय कोई भी नहीं था। जब दिन हुआ वहाँ खड़ा हो गया, कहे तुम लोग इसे वैष्णव कहते हो, ये देखो काली पूजा का सामान इसके घर में पड़ा हुआ है, घर के आगे पड़ा, ये काली की पूजा करता है, ये कैसा वैष्णव है। तो श्रीवास ठाकुर घर से बाहर आए, पता लगा उनको ये कहा गया कि काली पूजक है, उन्होंने ये नहीं कहा ये झूठ है, कहते हाँ मैं बड़ा पतित हूँ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये है वैष्णव, हाँ मैं काली पूजक हूँ। मना नहीं किया, हुआ क्या, उन पर झूठा आरोप लगाने वाले को कोड़ पड़ गया, उसको चपल गोपाल को बुरी हालत, घर वालों में घर से बाहर निकाल दिया। फिर महाप्रभु के चरणों में गिरा, महाप्रभु ने कहा मैं नहीं तुम्हें, या श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांगो, तूने एक वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, हमारी कोई गलती निकालता है। मैंने देखा दो व्यक्ति ऐसे देखे, दो आत्माएं ऐसी देखी, गलती नहीं मानेंगे, जवाब देंगे आगे से, अपने आप को सही सिद्ध। अरे यमदूतों के आगे सही सिद्ध कर पाओगे, भगवान न करे तुम लोगों को यमदूतों के पास जाना पड़े, नहीं कर पाओगे, यमदूत तो यमदंड चलाएंगे और दुर्गति कर देंगे। अभी अगर तुम अपना सुधार करो तो यमदंड से बच सकते हो, जरूर बच सकते हो, कोई संदेह नहीं है। तो जो गलत नहीं है वो भी कहते हैं हम गलत हैं, और जो गलत है वो गलती मानते नहीं है, सुधार कैसे होगा। मतलब पहले ही ये धारण करना मैं बड़ा महान हूँ, अगर बातें करना हमको बहुत आती हैं तो उससे महान नहीं होते। महान वो है जिसका भाव जागृत हो गया, जैसे वो कथा महाप्रभु की श्री रंगम की कथा, जो गीता जिन्हें कंठस्थ थी समार्थ ब्राह्मणों को, वो हंस रहे हैं एक अनपढ़ ब्राह्मण पर, उनको अहंकार है कि हम बड़े विद्वान हैं ये अनपढ़ है। उसके पास जब महाप्रभु गए तो रो रहा है बेचारा, कहते क्यों रो रहे हो तुम, कहते मेरे गुरु ने कहा था गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूँ इसलिए रो रहा है। कहते नहीं कि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए मैं गीता हाथ में लेता हूँ और गीता के पहले पन्ने पर भगवान का चित्र देखता हूँ, भगवान अपने भक्त और सखा अर्जुन के सारथी बन गए, ये देखकर मुझे रोना आता है कि इतने मालिक, त्रिलोकी के मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण भगवान अपने भक्त के ड्राइवर भी बन जाते हैं। तब महाप्रभु कौन है, वो त्रिलोकीनाथ कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो कहते हैं तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, ये पाषंडी हैं सब, जिन्हें गीता कंठस्थ हो पाषंडी, अनपढ़ गीता क्यों, गीता का भाव मर्म क्या, गीता का भाव, उसका भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति। बड़े पढ़ लिए, प्रवचन झाड़ दिए, भाव जागृत नहीं होता, कुछ नहीं, सब बेकार। अनपढ़ रहे पर भाव जागृत हो गया तो सब साकार, भगवत प्राप्ति। सोए हुए भाव को जागृत करना है, और हमें प्रभुपाद मिले हैं जो दया की मूर्ति हैं, और भगवान मिले हैं गौर हरि, वो बड़े दयालु हैं, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीमद् ठाकुर, ये पंच तत्व बहुत दयामय हैं, एक क्षमा करने वाले हैं। इसलिए अपना सुधार करो, विचार करो, प्रवचन में तो बैठो पर उनका मनन भी करो, पालन भी करो, जीवन में धारण करो, और दोषों को निकालना चुटकी से नहीं निकलेंगे, समय लगेगा। एक दोष को निकालने में 3 साल लगते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक में लिखा है। हमें बिल्कुल निर्दोष होना है। तो हमारा आना और महान भक्तों का आना एक जैसा नहीं होता, उनका आना दिव्य है, हमारा हम कर्मों के बंधन से यहाँ आते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत, इनका आना जाना दिव्य है। पर
प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना, प्रदूषित बद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। संतों का प्रकट होना जैसे हमारा जन्म लेना, उनका ये अलग है, बिल्कुल भिन्न है। हम कर्मों के मारे हैं, वो मुक्त पुरुष हैं। जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बद्ध होना पड़ता है। इस संसार को कंट्रोल करने के लिए आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़े बड़े आए, खुद कंट्रोल हो गए और गए नरकों में। वृंदावनेश्वरी को पत्र 6 जून 1969, कोई माता होगी वृंदावनेश्वरी, उसको प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी अगर कोई पत्र लिखता था उसका जवाब देते थे वो। हमने भी जो थोड़े बहुत पत्र लिखे प्रभुपाद ने जवाब दिया हमको। तो याद रखो इस बात को। आओ अभी हम ये अनिलो प्रेमाधान गाए और श्यामानंद प्रभु की कृपा की याचना करें। श्यामानंद भी बहुत बड़े वैष्णव हुए हैं हमारी संप्रदाय में, उनकी कृपा भी चाहिए हम सबको। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनाता कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावा कहा दास कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका काले पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पशिवो पाषाणे कुटीर अनिले पशिवो गौरंगा गुने रानी दी कोठा गेले प
पावो गौरंगा गुण सेई सवा संगीना संगे ये कोई लो बिला सेई सवा संगी सेई संग ना पाया कांदे नरो तम सही संग न पा ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचो ये अनिलो हे न प्रभु को ता गेला आचार्य ठाकुर हे न जय श्यामानंद ठाकुर जय श्यामानंद ठाकुर बोलो शिला श्यामानंद ठाकुर तेरो भाव महामहोत्सव की जो अप्राकृत प्रेम का धन ले गए आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिल रूप गोस्वामी कहाँ हैं। शिला सनातन कहाँ हैं। पतित पावन शिल रघुनाथ दास कहाँ हैं। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं। और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूँगा अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊँगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। शिला श्यामानंद प्रभु का तो बड़ा दिव्य जीवन है पर थोड़ा संक्षेप में यहाँ पर जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ। शिला श्यामानंद प्रभु उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। श्यामानंद प्रभु के प्रकट होने से पहले बहुत सारे भाई बहन उनके चले गए। हृदय चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे शिला कृष्णदास कहलाए। जब उन्होंने दीक्षा ली हृदय चैतन्य जी से उनका नाम कृष्णदास रखा गया। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर
एवं शिला श्रीनिवासाचार्य का संग किया। अनेक नूप अनेक नूपुर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास को राधा रानी की कृपा श्यामानंद नाम तथा अपना विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। महत जन इस विषय में यह विवरण देते हैं। वृंदावन में वास करते समय श्रीला कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व वहाँ की गलियों को बुहारते थे। वे इस मंतव्य से यह विनीत सेवा करते थे कि वैष्णव जन जब दर्शनार्थ मंदिरों में जाएं तो उनके पाँव में को पीड़ा ना पहुँचे। एक दिन प्रातःकाल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला। जब ललिता एवं विशाखा सखी ने कृष्णदास से वह नूपुर मांगा तब उन्होंने कहा कि वह उसे केवल उसकी मूल स्वामिनी को ही सौंपेंगे। अभी देखो श्यामानंद जी का जीवन सुनो, कैसा दिव्य जीवन था। वृंदावन में पूरे वृंदावन में झाड़ू लगाते थे वो भोर होने से पहले, सूर्य चढ़ने से पहले पहले, इसलिए कि वैष्णव जो दर्शनों के लिए जाते हैं उनके पाँव को कोई कष्ट ना हो। क्या दिव्य भाव था। राधा रानी वृंदावन की मालिक हैं, वो वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी। वृंदावन राधा जी के अधीन है, सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी। तो आओ एक दो लाइन राधा जी के सिमरन में गा लें। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे छाड़ी अटारी अटा जग के, छाड़ी अटा हमको कुटिया ब्रज माही जवानी। संगति साधु वृंदावन वास, संगति और सेविका सदा
यमुना महारानी और सेविका। अब औरन की परवाह नहीं, अब परवाह नहीं। ऐसा भाव जागृत हो जाए तो दिव्य धन्य हो जाए। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे में राधे। जय जय राधे, श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे, जय जय राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पतित पावन तेरो नाम मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो मेरे अवगुण तो उनका नहीं कोई हिसाब, लाडली श्री राधे तो नहीं कोई उनका हिसाब। मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, उन्हों की दासी दासीन में, उन्हों की दासीन कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो नाम लाडली मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा तेरे चरणों में पावे विश्राम, लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में पावे विश्राम, मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन ऐश्वरी की जय, बोलो सर्वेश्वरी की जय, बोलो कृष्ण प्रिया राधा रानी की जय। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, श्यामानंद प्रभु, पहले उनका नाम घर वालों ने दुखी कृष्णदास रखा,
गुरुजी ने उनका नाम कृष्णदास नाम दिया उनको। तो ये श्यामानंद नाम कैसे पड़ा उनका, इतने महान थे कृष्णदास जी। अरे वो इसको बंद कर कि रोज सूर्य निकलने से पहले झाड़ू लगाते थे कि वैष्णव दर्शन करने जाते हैं मंदिरों के उनको कोई कष्ट ना हो। तो राधा जी मालकी ने वृंदावन की, उन्होंने जब देखा तो राधा जी के मन में आया मैं इसे अपनी कृपा दूं। राधा जी ने वृंदावन में अपना नूपुर गिरा दिया, नूपुर उनका गिर गया, गिरा दिया माँ ने जानबूझकर। जगन माता राधा रानी, आपको पता है भगवान कृष्ण ने भी राधा जी के चरणों को स्पर्श किया है और रोए हैं भगवान, फूट फूट कर रोए हैं, क्योंकि राधा जी का इतना भाव है कि भगवान बड़े ही द्रवीभूत हो जाते थे राधा जी के भाव से। जय हो राधा, आपकी सदा जय हो माता। तो माँ ने अपना नूपुर गिरा दिया, श्यामानंद जी झाड़ू लगा दे, नूपुर मिला बड़ा सुंदर दिव्य नूपुर। राधा जी जो पहनती थी उन्होंने अपनी पगड़ी में रख लिया उसको। तो एक दिन ललिता विशाखा दोनों प्रधान सखियां हैं, राधा जी के कपड़ों को जब रखने लगी, एक नूपुर नहीं है, तो बोला कि एक नूपुर गिर गया, माँ ने खुद ही गिराया। तो भेष बदल कर ललिता आई श्यामानंद जी के पास कि भाई तुम यहाँ झाड़ू लगाते हो रोज, इसको सोहनी सेवा कहते हैं, तुम एक नूपुर तो नहीं देखा, मेरी बहू का नूपुर गिर गया यहाँ पर। बोला मिला है मेरे को, एक नूपुर मिला है, कह दे दो। कहते मैं उसी को दूंगा जिसका है। राधा रानी ने कृपा करनी थी, कहते पहले दूसरे नूपुर से मिलाऊंगा, दोनों मिलते होंगे फिर मैं दूंगा, जो कोई दूसरा अगर आ जाए दूसरा तो फिर उसको। तो आकर राधा जी को कहा ललिता ने, अच्छा। राधा रानी ने दर्शन दिए श्यामानंद जी को, श्यामानंद जी गदगद हो गए राधा रानी के दर्शन करके। उन्होंने अपने कर कमलों से राधा जी के चरणों में नूपुर पहनाया, पहले उस अपने मस्तक से लगाया नूपुर को, मस्तक से जब लगाया तो यहाँ तिलक बन गया, तिल का निशान बन गया, ऐसे और ऐसे निशान बन गया नूपुर पहनाया, राधा जी की कृपा मिली। और जब राधा जी की कृपा मिली तब उनका नाम पड़ा श्यामा, श्यामानंद, श्याम जी को अपना, श्यामा राधा रानी है, श्यामा श्याम उनको आनंद दिया, इसलिए उनका नाम श्यामानंद पड़ा। और फिर ये राधा जी के ही परिकर बन गए श्यामानंद प्रभु। इनके गुरुजी ने जब इनका तिलक, तिलक भी आया तो मिटे ही नहीं, परमानेंट हो गया माथे पर। हृदय चैतन्य जी ने कहा कि तिलक तूने क्या नई संप्रदाय शुरू कर दी, दूसरी संप्रदाय शुरू करना था गलत, पर बोला नहीं मिटा इस तिलक को, ऐसा तिलक क्यों नहीं लगाता। बड़ा प्रयास किया, आखिर में खून निकलाया और तिलक नहीं मिटा। तो फिर पता लगा गुरु जी को कि राधा जी की कृपा हुई है हृदय चैतन्य जी को। तो ऐसे इनका नाम श्यामानंद पड़ा, ऐसे ऐसे महान वैष्णव वृंदावन में हुए हमारी इन संप्रदायों में, हमारी संप्रदाय ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो हैं। तो हमें इन सब की कृपा चाहिए, श्यामानंद प्रभु पर राधा जी की बड़ी कृपा है, श्यामानंद प्रभु हम पर भी कृपा करें ताकि हमें भी राधा रानी की कृपा मिले। देखो ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे जो है ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे आ रहा है, ये राधा रानी है, हे राधे हे कृष्ण हे राम,
मुझे अपनी सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो। देखो सेवा जीव का धर्म है। घर में तो हम करेंगे, जैसे एक को मैंने कहा मंदिर में सेवा करो, क्या है मेरा बच्चा है। मैं अगर तुम घर में होती तो वहाँ नहीं बाकी बच्चों का सबका ध्यान करना था, नहीं मंदिर में नहीं सेवा करनी, बचाना अपने आप का क्या भावना है, दूषित हो गई है विचार, उसका भी तो ध्यान करना होता है। अरे मंदिर में सबसे ज़्यादा सेवा करनी, इसी से हमारे पाप कटेंगे जन्म जन्मांतर के, हम शुद्ध होंगे। सेवा जीव का धर्म है। कहा कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। श्यामानंद प्रभु एक ये सेवा के स्वरूप थे, बड़ी सेवा का। और राधा जी के दर्शन हो गए, कितनी कृपा मिल गई, राधा रानी ने कृपा कर दी। जब राधा कृपा हुई तो कृष्ण कृपा हुई ही हुई है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो बड़ा दिव्य जीवन श्यामानंद प्रभु का था। ये हम पर भी कृपा करें, हम सब पर। हे श्यामानंद प्रभु हम सब पर कृपा करो, ताकि हमारा भी राधा जी के चरणों में मन लगे, उनके श्री चरणों में हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो। हमें आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। बोलो श्रीला श्यामानंद प्रभु की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण गोपाल, अंदर सुनाई दे ना कृष्ण गोपाल को, उसका आया था को लेटर, कल ही बोल दिया था लिया फिर भजन। अरे कृष्ण गोपाल भी सेवा करते हैं तो फिर अब गुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अब गुण भरे अब गुण भरे आ शरीर श्याम कैसे तारोगे, अब गुण भरे कैसे तारोगे मोरे श्यामा कैसे तारोगे, कैसे तारोगे राम नाम मैं रट न सका, राम नाम मैं श्याम नाम मैं रट न सका, सत्संग में भी कर न सका, सत्संग भी मैं कर न ऐसी है तकदीर, ऐसी है तकदीर, प्रभु जी कैसे तारोगे जी, अब गुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अब दान पुण्य मैं कर ना पाया, दान पुण्य ना कोई तीर्थ नहा के आया, पापों की तस्वीर पाप प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे।
अवगुण भरे आशनी शाम कैसे तरोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि ना पूजा, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुने और बेपीर बेगुन। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरे आशनी शाम कैसे तारोगे। दब गया इंडियन किट आ गया। ऐसे ही गा दे तुम, गुरु शरण में जाना, गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु शरण सो ही अमित जीवन फल पावे। कह गए संत कबीर, कह गए प्रभु जी कहते तारोगे, प्रभु जी कहते अवगुण भरे शरीर शाम कैसे तारोगे। सुना मेरे पुराने भजन की पुस्तकें हैं ना, उसमें है ये भजन, वही बहुत डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। चलो भी छोड़ो, बाद में देख लेना, उसमें तुम ढूंढ लेना जरा। हरी सुता दास जी सूरत से, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव का यश तीनों लोकों में फैले। मेरा प्रश्न ये है गुरु महाराज जी कि यदि काफी प्रयास के बाद भी मन में काफी प्रयास के बाद भी मन में कामनाएं कम नहीं हो रही, सुधार नहीं हो रहा है, तो भाव कैसे पैदा होगा? अरे भाव दूर की चीज है, लगे रहो, ये धीरे धीरे होगा, लगे रहने से होगा। अभी क्या तुम, अभी तू एक कितने एक साल हो गया तेरे को दीक्षा लिए, दो साल, अभी तू भाव को ढूंढ रहा है। अरे टाइम लगेगा, समर्पण जब होगा भगवान के चरणों में, भजन में मन धीरे धीरे लगेगा और फिर भाव जागृत होगा। नचिकेता दास कनाडा से और मीनू मेहरा अमृतसर से, इनका एक जैसा प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें? प्रयास करो, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयास करो, लगे रहो, भजन करो, भक्ति करो, नियमों का पालन करो, प्रयास करने से धीरे धीरे प्राप्त होगी। किरण माता लखनऊ से, हरे कृष्ण महाराज जी, जगन्नाथ भगवान का अभिषेक होने के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन अगर घर में हो तो हमें क्या करना चाहिए? घर में हो तो दर्शन करो उनके। चंद्रावती देवी फ्रॉम त्रिनिदाद। डियर महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेज एंड ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। आई वांट टू रिसीव इनिशिएशन फ्रॉम यू। आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू, प्लीज गाइड मी फॉर दैट। इफ पॉसिबल प्लीज सजेस्ट मी समवन हु कैन प्रिपेयर मी फॉर दैट। आई एम लिविंग इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो विद माई सन। तो इसका ध्यान करो तुम,
गाइड करो पूरा, है नोट करो उसको, सब बता दो। त्रिनिदाद में अंग्रेजी बोलते हैं खाली, इनको हिंदी नहीं आती है। इसको आती है, इसको आती है, बस जनरली नहीं आती लोगों को। सूरीनाम में आती है हिंदी। कोल्हापुर महाराष्ट्र से कुंती देवी, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज अनर्थ अनर्थ जाने के लिए क्या करना चाहिए? अनर्थ खत्म करने के लिए उनके लिए भक्ति करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए अनर्थों का, बार बार प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु गौरांग से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे अनर्थों से मुझे मुक्त करो, मेरे दोषों को दूर करो। सीमा माता ब्यास से, हरे कृष्ण गुरु चरणों में। ब्यास जो इधर पंजाब में जी, एक कोई नई माता जुड़ी है सीमा जी। गुरु चरणों में सीमा खन्ना का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं आपको अपने मन से गुरु बना चुकी हूँ, आप मुझ नाचीज पर कृपा करें। जय गुरुदेव। कृपा कृपा तेरे पर सीमा माता, भक्ति में माला करो कम से कम 16, 16 कम से कम हैं, माला जितनी हो जाए उतनी कम है। सीमा याद रखो, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अमरेंद्र कुमार देवास से, कहाँ से? मध्य प्रदेश विवाद देवास। देवास हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरु की कौन सी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जिससे गुरु प्रसन्न हो जाएं? गुरु जो चाहें वो करो, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इसका उदाहरण एक प्रभुपाद जी ने दिया है। गुरु ने शिष्य को कहा, भाई भैया पानी पिलाओ मेरे को। तो शिष्य सोचता है कि पानी क्या, मैं दूध पिलाऊंगा गुरु जी को। वो पानी के बजाय दूध ले जाता है, वो ठीक नहीं। गुरु ने पानी कहा तो पानी पिलाओ, जो गुरु कहते हैं वो करो। गुरु कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, उससे गुरु प्रसन्न होंगे। हमारे देखा प्रभुपाद जी, अगर हम कोई थोड़ी बहुत सेवा करते बड़े खुश हो जाते थे वो। आशीष शर्मा दिल्ली से, ये नए हैं कोई? हाँ थोड़े समय से जुड़े हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज आपको कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहता है, कभी कभी मुझे बहुत कमज़ोर लगता है इस भौतिक जगत में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में कृष्ण चिंतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। जब बड़ी परेशानी हो पहले प्रभुपाद जी का ध्यान करो, फिर नित्यानंद 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 इसका जप करो। नित्यानंद जो बलराम जी की अवतार हैं, ये बहुत दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, इनसे प्रार्थना करो, ये बहुत दयामय हैं। देखो भला कैसा लगता है आपको। गौरव अग्रवाल जी झारखंड से, गौरव अग्रवाल। हे गुरुदेव आपके दर्शन जीवन में संतोष और परम ऊर्जा के स्रोत हैं। बस कल बड़ा बड़ी लिस्ट थी तेरे पास, हैं? हैं? थोड़े बोलते क्या, कौन कौन लोग हैं? प्रणाम स्वीकार कर लें ना उनकी। गौरव अग्रवाल झारखंड, सरोज तांतिया, हरिप्रिया माता वॉशिंगटन, कंचन बत्रा माता, केशव दास जम्मू, रघुनंदन प्रभु वृंदावन, श्यामभवी माता वृंदावन, ममता गर्ग, रीता गुप्ता, ध्रुव दास देहरादून, नीना मोहाबीर मॉरिशियस, अयोध्या दास, शिखा सिंह, तरुण प्रसाद, सत्स्वरूप प्रभु खिजराबाद,
पूजा देवी दासी। ये खिजराबाद से कौन है? मेरे मामा। छोटा बड़ा? बड़े। बड़ा। रमेश वीरानी सूरत से, अमन संधु, रामकृष्ण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु सूरत, अमन कंबोज, गोपाल सिहोतिया, प्रियंका यादव, अभिषेक शर्मा, हरी गोपी देवीदासी, ज्ञानचंद मंगला, सीमा खन्ना, बसंत पांडे, कमल लोचन प्रभु खिजराबाद, शंख दास, डॉक्टर जगमोहन प्रभु, सन्नी बुंदवानी, वर्षा माता दिल्ली, अभिषेक शर्मा, कुलदीप चिनैनी, विजय लक्ष्मी, वीरेंद्र शर्मा, नारायण प्रभु अमृतसर, रेणु सक्तानी सूरत, योगेश तृप्ति जलपात्रा आनंद, रमे विष्णु आर्यल, किरण माता लखनऊ, शारदा शर्मा उधमपुर, प्राण गोपाल। ये कौन है उधमपुर से? वो सामने क्या नाम है, श्यामा प्रिय माता। शारदा तूने कहा? उनका दूसरा नाम आ रहा है ना। अच्छा। विजय वर्मा, शीतल माता सूरत, हरिसुता दास सूरत, सोनू कुमार, कुलदीप ओझा त्रिनिदाद, चंद्रावती देवी त्रिनिदाद। कहाँ से? त्रिनिदाद। अनिल महावीर मॉरिशियस, सीमा खन्ना रामभृत महतो बिहार, सुनीता शर्मा सूरत, अलारनाथ प्रभु अमेरिका, केशव दास काना भाई जामनगर, सरोज तांतिया, रेणु जलान। केशव है, वो कहाँ से है? केशव कहाँ से? जम्मू। ये कोई दूसरा केशव है? वही है ये दूसरा। विनोद वैकुंठ दास उधमपुर, माधव मिश्रा, गीता माता, दिनेश सहगल, श्यामानंद दास, जयगोपाल दास, विजय वर्मा जी। बस जी। विजय वर्मा कहाँ से हैं? विजय वर्मा कहाँ से? लास्ट में बोला ना तूने विजय। चलो कोई बात। सूरज पीछे देना है। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु महाराज जी का सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है रात्रि 8:40 से, तो बहुत सारे भक्तों ने अपना योगदान दिया है। और आज हल्द्वानी से मोहनगिरी गोस्वामी और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस से शबरी देवी दासी ने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा से नचिकेता प्रभु ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। कहा उसने? चलो सभी लोग हंस लो थोड़ा सा भी, ठीक है? हंसा दूं? हे हे तू क्यों नहीं हंसा? पीछे क्या थे? हे ओ
शुक्ला हंसा नहीं, हंसा हे हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।